नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से। तापमान पिछले 24 घंटों में निवारी में सबसे अधिक 47.5 रिकॉर्ड किया गया और साथ में सीवियर हीट वेव को रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से 9 स्टेशन को जो है वो हीट वेव में रिकॉर्ड किया गया है। उनके नाम है छतरपुर, सिंगरौली, सतना, ग्वालियर, सिद्धि, खजुराहो, रेवा, शहडोल और नागौर। वार्म नाइट की बात करें तो 4 स्थान में वार्म नाइट को दर्ज किया गया, उमरिया, सिद्धि, छिंदवाड़ा और निवारी। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिवपुरी में 25.6 mm रेनफॉल दर्ज हुआ और ईस्ट एमपी में सबसे अधिक छतरपुर में 4.0 mm रेनफॉल पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं तो आज दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा है और उसने कंप्लीट केरल, दक्षिण जो है वो हमारा कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु के अनेक सारे भागों में और साउथ वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट, बे ऑफ बंगाल को कवर आज उन्हें कर लिया है। उसके आगे बढ़ने के चांसेस भी 2 या 3 में फेवरेबल कंडीशंस बताई जा रही हैं। प्रेजेंट सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो एक जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे होता हुआ 5.8 किलोमीटर अबव मीन सेवन लेवल के ऊपर 76 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर अभी स्थित है। सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो एक स्थित है। इन सब के होते हुए प्रदेश के मौसम के बारे में हमने जो विस्तृत पूर्वानुमान किया है, आइए उसकी एक जानकारी हासिल करते हैं। डे 3 तारीख की तो जो वर्षा का जो गतिविधि है वो चलती ही रहेगी कल के दिन भी, और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसमें आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के अंदर, वो 50 से 60 किलोमीटर होने की आशंका कल भी बनी रहेगी। और जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर आप देख रहे हैं थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड में 40 से 50 किलोमीटर होने की कल भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो हीट वेव है जो कि टेम्परेचर 45 के डिग्री के आसपास जो है वो इन जिलों में जो कि एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स हैं उसके अंदर होने की अभी आशंका कल तक बनी ही रहेगी। डे 3 की बात करेंगे अर्थात 4 तारीख की तो जो वर्षा की गतिविधि है वो कंटिन्यू रहेगी और आप देख रहे हैं, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड है वो वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो 30 से 40 किलोमीटर रहेगी और ईस्ट एमपी के जो जिले हैं उनके अंदर 40 से 50 किलोमीटर हवा, लाइटनिंग और गस्टी विंड चलने की उम्मीद परसों भी बनी रहेगी। डे 4 की बात करेंगे अर्थात 5 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा की जो गतिविधि है उसमें फिर कुछ कमी आएगी जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और लेकिन जो अधिकांश नीचे के जिले हैं सदर्न पार्ट जो ईस्ट एमपी है उसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर और जो वेस्ट एमपी के पार्ट्स हैं खारगोन, खंडवा, बाढ़ान और हरदा के अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर होने की आशंका जताई जा रही है।